हेलो मैकेनिक भाइयों, ये है बजाज पल्सर 150 BS6 FI वाली वेरिएंट है। अगर देखें तो यहाँ पे आपको थ्रोटल बॉडी लगा हुआ देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बारे में बताने से पहले आपको गाड़ी के किलोमीटर को दिखा दें। तो अभी देखें, हमारी गाड़ी ओडो किलोमीटर पे है और इसके अंदर टोटल जो हमारी गाड़ी चली हुई है 9895 किलोमीटर, यानी हमारी गाड़ी अभी 10,000 किलोमीटर भी नहीं चली हुई है। मीटर में जो है चेकलाइट इसके अंदर बना रहता है। और बड़ी समस्या इसके अंदर क्या है कि गाड़ी सेल्फ से भी स्टार्ट नहीं होती है। अब जब गाड़ी सेल्फ से स्टार्ट ना हो तो उस कंडीशन में इसके अंदर यहाँ पे अगर देखें तो किक इसके अंदर दिया हुआ, यह ट्विन डिस्क की गाड़ी नहीं है, क्लासिक मॉडल है। अब इसे जब किक से हम स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी किक से ईजिली स्टार्ट हो जाना चाहिए, बट जब गाड़ी सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती उस कंडीशन में किक से भी स्टार्ट नहीं होती है और ये चेकलाइट इसके अंदर बना रहता है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं, फिर इसके अंदर हम OBD लगाएंगे और लाइव प्रोसेस दिखा देंगे कि एक्चुअल इसके अंदर खराबी क्या है और कैसे कैसे उस चीज़ की टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बाइक के अंदर किस तरह से स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रही है सेल्फ से भी और किक से भी, बैटरी वोल्टेज चेक कराएंगे और साथ ही साथ ECU को भी चेक कराएंगे। चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप में इसके इग्निशन को ऑन करूँगा और इसका सेल्फ का उपयोग करूँगा। अभी एक बार इग्निशन अच्छे तरीके से ऑन हो गया, अब इसके सेल्फ का हम उपयोग करते हैं। देख लीजिए अच्छे से आप किस तरह से प्रॉब्लम गाड़ी कर रही। अब आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर क्या ऐसा समस्या आ गया जो सेल्फ से हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब चलिए किक का उपयोग कीजिए, देखिए इग्निशन ऑन है, सारा सिस्टम इसका लगा हुआ है। और अगर आप अच्छे से फील करें, मैं जैसा फील कर पा रहा हूँ कि जैसे इसके इग्निशन को ऑन करते हैं तो फ्यूल पंप काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। चलिए फिर से किक का उपयोग कीजिए, गाड़ी स्टार्ट होगी ही नहीं, ना किक से स्टार्ट होगी ना सेल्फ से स्टार्ट होगी। अब यहाँ से इसका प्रोसेस शुरू होता है। ये मैंने इसके मल्टीमीटर को लिया, इसको DC वोल्टेज पे मैं सेट करूँगा। कहाँ पे? 20 वोल्ट DC पे। सबसे पहले इसके मल्टीमीटर से बैटरी वोल्टेज को मापता हूँ। अभी देखिए क्या देखें, 12 प्लस हमारी बैटरी चार्ज है। अब हमारी गाड़ी सेल्फ से भी स्टार्ट नहीं हो रही है, हमारी गाड़ी किक से भी स्टार्ट नहीं हो रही है। बैटरी 12 वोल्ट प्लस है, DC वोल्टेज में मैंने सेट किया है, दोनों टर्मिनल इसी के अंदर लगाया हूँ। देखिए एक्साइड की इसके अंदर बैटरी लगी हुई है। अब आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि नहीं इसका रिले ख़राब हो सकता है, तो जब हमारी गाड़ी की रिले ख़राब हो गई है तो उस कंडीशन में हमारी गाड़ी किक से स्टार्ट हो जाना चाहिए, बट किक से स्टार्ट नहीं हो रही है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको एक और स्टेप बताएंगे, इसके रिले को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे और इस कंडीशन में देखेंगे कि रिले डायरेक्ट करने के बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। ये स्टेप आपको हरगिज़ यूज नहीं करना क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ है ECU, अगर ज़्यादा कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो उस कंडीशन में आपकी गाड़ी का ECU ख़राब हो सकता है। तो सिर्फ के सिर्फ हम छोटा सा एक स्टेप यूज करेंगे, फिर यहाँ से नहीं होता है तो फटाक से OBD लगाएंगे क्योंकि सारा चीज़ हमारी गाड़ी का सही है तो क्यों गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। चलिए इसे हम डायरेक्ट करते हैं, अब इसे मैं डायरेक्ट करता हूँ। चलो उमर, देखिए एक बार गाड़ी स्टार्ट हुई, फिर से अच्छे से चेक करवा दीजिए ताकि कन्फ्यूजन कहीं से ना रहे। चेक कीजिए बस कर दीजिए। देखिए एक बार गाड़ी स्टार्ट हुई, उसके बाद से फिर स्टार्ट होना बंद हो गई। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम OBD लगाएंगे। तो चलिए इसके अंदर डिजिटल स्कैनर लगाते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर एक्चुअल खराबी। जब तक कि इसके अंदर हम OBD लगा नहीं लेते, जब तक ये साबित नहीं कर सकते हैं कि इसका ये जो लगा हुआ है सेल्फ रिले ये ख़राब है या सही, क्योंकि आपने देखा कि जब इसे डायरेक्ट किए तो एक सिंगल बार गाड़ी हमारी स्टार्ट हुई। तो चलिए इसके अंदर डिजिटल स्कैनर का हम उपयोग करते हैं। काफ़ी नाइट का समय हो गया, अभी कस्टमर हमारे पास परेशान हो के आए, तो क्यों ना आपके साथ भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ ताकि आने वाले समय में आपको भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए अच्छे से फोकस करते हैं और क्या है खराबी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे पहले इसके अंदर एंटर करते हैं कोड और देखते हैं क्या ख़राबी इसके अंदर दिखता है। देखिए दो कोड इसके अंदर फाउंड अभी हुआ है। हाँ फोकस बना लिए, दो कोड इसके अंदर दिख रहा है। चलिए इसके अंदर कोड को पढ़ते हैं, रीड कोड पे जाके देखिए O2 सेंसर का प्रॉब्लम इसके अंदर बता रहा है, साथ ही साथ एक और सेंसर क्या है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। अब देखें ये जो चेकलाइट इसके अंदर जला हुआ है ना, इससे ना सेल्फ का ना किक का दोनों का कोई कनेक्शन इसका बनता ही नहीं है। मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर आपको पता होगा कि बजाज की गाड़ी है P0107, ये इसका थ्रोटल बॉडी का एरर सभी गाड़ियों में आएगा, तो इसको आपको कवर करना ही नहीं है। और यहाँ साथ क्या है, O2 सेंसर का प्रॉब्लम, तो स्टार्टिंग के लेकर इसका भी कोई कनेक्शन बना नहीं है। अब इसके अंदर क्या खराबी है मैं भी आपको दिखाता हूँ।
चलिए इसके बैटरी को अभी हम ओपन करते हैं और नई बैटरी इसके अंदर हम ऐड करते हैं एसएफ सोनिक की। आपने देखा ये भी बैटरी 12 वोल्ट प्लस चार्ज है, बट सेल्फ से भी नहीं हो रहा है, किक से भी नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको इसके अंदर बैटरी लगा के दिखाता हूँ, कोई भी चेक लाइट नहीं आएगा नई बैटरी लगाने के बाद, और सिंगल किक में हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी और सिंगल सेल्फ में स्टार्ट होगी। पता क्या चला कि इसके अंदर जो सेल लगे हुए हैं बैटरी का, वो पूरी तरह से शॉर्ट हो चुका है। क्यों शॉर्ट हुआ वो भी मैं बताऊँगा। अभी इसके बैटरी को मैंने निकाल लिया है, ये एसएफ सोनिक की नई बैटरी इसके अंदर मैं डालूंगा और परमानेंट सोल्यूशन के लिए डालूंगा, ताकि कस्टमर काफ़ी समय से जो परेशान है वो परेशानी सॉल्व हो सके। चलिए इस नट को डायरेक्ट टाइट कर दीजिए। अब देखें इसके बैटरी को मैंने परफेक्ट यहाँ पे होल्ड कर दिया है। अब चलिए आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने इग्निशन को इसका ऑन कर लिया, सिंगल सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट है। फिर से एक बार दिखा देते हैं, आप चलिए एक बार किक से भी गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाइए, सिंगल सेल्फ में भी और सिंगल किक में भी गाड़ी हमारी स्टार्ट है। बैटरी का सिर्फ मैंने रिप्लेसमेंट किया। अब इसके वोल्टेज को चेक कराने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। अभी आपने क्या देखा मैकेनिक भाइयों, कि वही बैटरी में जो आपका वोल्टेज पहले देखने को मिल रहा था एक साइड में, एसएफ सोनिक में भी वही देखने को मिल रहा था। तो कभी क्या होता है ना कि बैटरी जो अंदर से शॉर्ट कर जाती है और उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होता है कि वो इसके सेल्फ मोटर को राउंड करवा सके, और गाड़ी जब बैटरी ख़राब हो जाती है तो किक से स्पार्क जनरेट होना बंद हो जाता है। अभी देखें सेम वही वोल्टेज, उससे कहीं ज़्यादा कम है, वो 1260 था और ये 1255 दिखा रहा है इसके अंदर वोल्टेज, बट इससे हमारी गाड़ी सेल्फ भी लेती है और हमारी गाड़ी किक से भी स्टार्ट होती है। और उससे क्या हो रहा था कि ना गाड़ी सेल्फ से स्टार्ट हो रही थी ना किक से स्टार्ट हो रही थी। तो पता क्या चला कि कभी आपके पास अगर बड़ी समस्या लेकर आती है इस तरह से, तो एक बार आप सेंसर और एक्चुएटर को नज़रअंदाज करके एक बार आप बैटरी की ओर ज़रूर जाएं। एक बार आपको लास्ट चार्जिंग दिखा देते हैं कि चार्जिंग हमारी गाड़ी कितना निकाल रही है, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो देखें चार्जिंग हमारी गाड़ी एकदम परफेक्ट निकाल रही है। जो जाना चाहिए चार्जिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिर्फ के सिर्फ बैटरी। तो बैटरी को खास ध्यान रखें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी से टॉपिक लेकर, कोई ऐसा सेंसर या एक्चुएटर की खराबी नहीं। जब से मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया चेक लाइट यहाँ से पूरी तरह से चला गया। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी से टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।